हेलो एवरीवन, शॉपहोलिक निशा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हम जो है कहाँ जा रहे हैं फर्नीचर फैशन एंड लाइफस्टाइल शो में, जो कि बहुत ही अच्छा एक एग्जीबिशन लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चाय के स्टॉल, फूड के स्टॉल्स, पान के स्टॉल्स यहाँ पे लग जाते हैं। यहाँ पे प्लांट्स भी बहुत अच्छे खूबसूरत प्लांट्स मिल जाते हैं आपको इन एग्जीबिशंस में। और अभी आप आगे देखिए कि यहाँ पे देखिए बहुत ही टेस्टी वाले पापड़ जो बहुत बड़े से हो जाते हैं, आपने देखा होगा। ये है भेलपूरी का स्टॉल और बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पे, और हम इसी को घूमने के लिए आए हुए थे। और ये देखिए, ये है फर्नीचर, अल्टीमेट फर्नीचर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे डील्स में ये हमको मिल जाता है। तो डेफिनेटली डू ट्राई गाइस कि आप यहाँ से फर्नीचर कभी लेना हो तो ज़रूर लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर फर्नीचर की शॉपिंग की हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमें ये येलो वाला बहुत पसंद आ गया था। और ये है वास है, और जैसे कि आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स हैं। यहाँ बहुत सारे लैम्प्स का स्टॉल था कि बहुत ही खूबसूरत लैम्प्स थे। और अब हम अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्रास का बहुत सारे जो कि बाहर तमिल में कहीं यूज़ होते हैं शायद वहाँ के हैं। तो आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये है रहा फर्नीचर, बहुत ही खूबसूरत टेबल्स थी यहाँ पे, बहुत सारे फर्नीचर, सोफ़ाज, बच्चों की चीज़ें, बहुत फर्नीचर से अच्छी अच्छी चीज़ मिल जाती है। फर्नीचर लेना अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है, बेस्ट कुछ भी नहीं यहाँ पे। बहुत अच्छी फर्नीचर के अलावा भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए बेबी के साथ कितने खूबसूरत बच्चों का सोफ़ा, क्यूट या बहुत अच्छे लग रहे थे। रियली गुड। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम इन अच्छे सामानों को अपने घर में रख सकें, बट ये बहुत ही खूबसूरत सोफ़ा थे बच्चों के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और फर्नीचर का बहुत बड़ा एक वो लगता है। फिर हम फर्नीचर वाले से आगे बढ़े, फिर वहाँ पर हमें बहुत ही शॉप दिखी, स्टॉल दिखी, जो कि कॉटन के कॉटन रखे थे इन्होंने और बहुत ही डिफरेंट वाले मुझे बहुत पसंद आए। और ये है कालीन भी मिल रहे थे यहाँ पे, रग्स मिल रहे थे, ज्वेलरी का भी सेक्शन वो अच्छा लगा। वाटर बहुत ही खूबसूरत से थे, भी बैठे थे। उसके बाद हमने मशीन को भी ट्राई किया, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं ट्राई कर रही हूँ। और ये मशीन मुझे बहुत पसंद आई है, बाद में लास्ट डे जाके शायद बाल्टी की पड़ेगी। लोअर बॉडी लाइक आर थाइज एंड नी, इंडेंट का नी है, नी को बैठ जाओ। दिस इज साइकिलिंग, इफ यू स्टैंड एंड यू स्क्वाट 6 किलोमीटर रनिंग देन यू डू दैट। सो यू वांट टू डू स्किपिंग ऑन दिस मशीन। देखिए कि अंदर क्या क्या है।